हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीआरएस ने डबल ट्रैक पर लिया स्पीड ट्रायल। जेती खजोड़ा स्टेशन के बीच दौरी को ट्रैक का किया निरीक्षण। रेल यात्रियों की संख्या व व्यस्त मार्ग के चलते अधिक रेल सेवाओं का संचालन किया जा सके, रेल यात्रियों के समय की बचत हो, इसी उद्देश्य से अजमेर मंडल पर दोहरीकरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। इसके तहत मंडल के आबू रोड पालनपुर खंड पर जेती खजोड़ा स्टेशन के बीच 10 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी के चलते पश्चिम क्षेत्र मुंबई के संरक्षण आयुक्त आर के शर्मा ने जेती खजोड़ा स्टेशन के बीच दोहरीकृत मार्ग का निरीक्षण किया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से स्पीड सफल ट्रायल लिया। रेल संरक्षण आयुक्त आर के शर्मा द्वारा जेती से निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण के दौरान न्यूनतम स्टाफ और कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। रेल संरक्षण आयुक्त ने ट्रॉली संरक्षण के अंतर्गत इस खंड के स्टेशन, ब्रिज, ट्रैक, LC गेट, जॉइंट्स, कांटो आदि का निरीक्षण किया। खजोड़ा जेती स्टेशन के बीच स्पीड ट्रायल द्वारा इस ट्रैक की गति क्षमता की जांच की। आबू रोड पालनपुर खंड पर दोहरीकृत रेल मार्ग में 3 स्टेशन जेती, चित्रासनी व खजोड़ा है। CRS ने मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का वरिष्ठ मंडल वाणिज्यक प्रबंधक महेश चंद्र जेवलिया व अन्य अधिकारियों के साथ दोहरीकरण के संबंध में विचार विमर्श किया। रेल संरक्षण आयुक्त द्वारा जेती खजोड़ा के बीच दोहरीकृत मार्ग में नॉन इंटरलैगिंग कार्य का सघन निरीक्षण किया गया। नॉन इंटरलैगिंग कार्य पूर्ण होने के बाद रेल संरक्षण आयोग की स्वीकृति के बाद इस दोहरीकृत मार्ग पर रेलगाड़ियां दौड़ सकेंगी। उल्लेखनीय है कि 369.88 किलोमीटर के मदार पालनपुर खंड का दोहरीकरण अलग अलग पेज में किया जा रहा है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।